ये रूम रहने वाला है अपना, ये कबर्ड आ जाएगा हमारा इधर, और ये जो ये भी काफी अच्छे मिल गए। काम सारा का सारा फिनिश हो गया, बढ़िया हो गया, मजा आ गया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भी मजे में होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है भाई, वो अपना ये रहने वाला है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक फ्लैट खरीदा, एक्चुअली मैं सबको मालूम है मैं तो दिल्ली में रहता ही हूँ, और ये मैंने यहाँ पे थर्ड फ्लोर खरीदा है। इस टाइप से यहाँ का माहौल है, और थर्ड फ्लोर के अंदर मुझे क्या क्या मिला है, 50 गज स्क्वायर फीट, मुझे आइडिया नहीं 50 गज के फ्लैट के अंदर क्या क्या मिला है, कितने का मिला है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे वाइट वॉश वगैरह करा रहा हूँ, और कुछ इसके अंदर अलमारी वगैरह कबर्ड वगैरह जो होते हैं वो चेंज कराने थे, वो मैं चेंज करा रहा हूँ। तीनों रूम चेकआउट कराता हूँ, तीनों रूम चेकआउट कराने के बाद इसके अंदर क्या क्या मैं अल्ट्रेशन करा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा, और 50 गज के अंदर तीन रूम कैसे बने वो भी दिखाऊंगा, दो बालकोनी के साथ, क्योंकि ये जो फ्लैट है ये डबल है, एक इधर से और एक गली अपनी आ जाती है इधर, तो एक बालकोनी मिल जाती है अपने को उधर। तो इस तरह से जो ये बालकोनी मिलती है वो देखेंगे। फिलहाल मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि किस टाइप का रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगने वाली है। अपना जो चैनल बनेगा वो किधर बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। तो मैं आपको दिखा दूँ कि आज यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। अगर रसोई वाली बात करें तो देखो भाई, ये रसोई वगैरह होने वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, और इधर की बात करें तो ये रूम रहने वाला है अपना। इस रूम के अंदर क्या रहेगा, तो मैंने सोचा है कि यार इस साइड में ना, इस कोने की तरफ अपना बनेगा न्यू गैजेट नगरी का एक चैनल, उस साइड बनाएंगे, और अपना जो एक सेकेंडरी चैनल है ना, उसको मैं सोच रहा हूँ कि इस कोने में कर लेंगे, वो बाद में भी हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा वाला जो रूम है वो ये रहा, इसके अंदर भी अभी पेंट का काम चल रहा है। तो ये दिख रहे हैं ना, ये दीवारें वगैरह बहुत ज़्यादा ये ख़राब थी, इन्होंने POP वगैरह से इसको पट्टी वगैरह भर के इसको धीरे धीरे ये सेट कर रहे हैं ये इस तरह से। और ये जो कबर्ड है ना, इस कबर्ड ये इसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको हटवाने वाला हूँ, और हटवाने के साथ साथ ये दीवार वगैरह भी एकदम कम्प्लीट हो चुकी है। ये कबर्ड हमारा आने वाला है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कबर्ड आ जाएगा हमारा इधर, और ये जो इधर कबर्ड आएगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से इतना कट जाएगा, कटने के बाद ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे कवर आ जाएगा, और इसमें इस टाइप का ये भी इसमें देख रहे हैं ना, कितना सारा पैंट वगैरह बच्चों ने ख़राब कर रखा है, तो इसके अंदर इस टाइप की पट्टी भरी जाएगी। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, ऊपर वाला जो यहाँ पे ग्लास है वो हमें नहीं मिला, वो लेके चले गए थे, तो यहाँ के लिए हमने ऐसे 24 इंची और ऐसे 36 इंची इस टाइप का यहाँ पर एक ग्लास के लिए किया गया है। और दूसरा ये टॉयलेट वगैरह में गीजर अभी है नहीं, इस टाइप से है, थोड़ी बहुत ऊपर सीलन वगैरह आ रही है, उसका काम अभी चल रहा है, और काम चलने के साथ साथ रसोई वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए, ये भी काफ़ी अच्छे मिल गए। देखो भाई ये ऐसे निकल आते हैं, और इसको हल्का सा सिर्फ पुश करो, सीधा अंदर फिट हो जाता है अपनी जगह जाके, ये भी बहुत ज़बरदस्त लगा, पूरा इस टाइप से ही है। बाकी फुल क्या रहेगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पे कल क्या क्या फाइनल हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये तो देखो इधर ये कल लग गई है, इसके बाद लगने के बाद है ना ये रह गई है, इसके अंदर ये जो पल्ला कटा हुआ है ना, एक्चुअली ये लगने वाला था, मगर ये रह गया किस वजह से, इसके अंदर इस टाइप के ये कब्जे आने थे इस टाइप से, ये इसके अंदर लगाने की कोशिश भी करी, एक्चुअली ये लगने के बाद ये बंद नहीं हो पा रहा, बंद होने के लिए इसको 1 इंची यहाँ पे कम होना चाहिए था, तब ये वाले पल्ले इसके ऊपर लग पाते। बाकी भाई गेटअप देख लो कैसी आ रही है, गेटअप नो डाउट फर्स्ट क्लास आ रही है, और यहाँ पे जो पट्टी वगैरह खींचनी थी, जो फिलिंग वगैरह होनी थी, वो सब हो चुकी है, और फिलिंग के बाद ये कमरा तो अपना था ही, जैसे मैंने बताया था ये रूम एकदम फ्रेश है, इसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये देखो फर्स्ट क्लास। और बचा ये जो है, इस पर आज पेंटर हमारे आ चुके हैं, वो इसको क्लीन करके एकदम ज़बरदस्त करने वाले हैं, आज इसके ऊपर रेगमाल लगेगा, और एशियन का पेंट हो रहा है इसके ऊपर, जो भी है ये बहुत मुश्किल से मिली थी बाल्टी के, मिल नहीं रही थी, एशियन का पेंट हो रहा है, और एशियन का पेंट होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंप्लीट होने के बाद कैसा लगने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी शीशा वगैरह नहीं आया, कल मैं गया था शीशे के लिए, तो वो शीशा एक्चुअली अभी मिल नहीं पाया, साइज़ उन्होंने बना नहीं पाए वो, और ये थोड़ी ऊपर दीवार में प्रॉब्लम आ रही थी, वो छत में प्रॉब्लम दीवार बोल रहा हूँ, तो छत भी क्लीन हो गई एकदम बढ़िया सी लग रही है एकदम। और ऐसी रसोई के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे सीलन आ रही थी, ये भी थोड़ा थोड़ा सा हो गया है। चलो देखते हैं फिर फाइनल क्या रहता है, आज क्या क्या काम निपट पाता है देखते हैं। The next day. तो भाई अगर आज दिन वाली बात करें तो यह है हमारा नेक्स्ट डे, और मैं हूँ नबील के साथ, ये हमारी सेकंड बालकोनी है, और नेक्स्ट डे में यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर से अंदर लेके चलता हूँ, और कलर कौन कौन से डिसाइड कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। तो भाई अगर कलर वाली बात है तो ये कलर डिसाइड किया इसके अंदर, पहले इसके अंदर जो कलर था वो ये कलर था पिंक कलर, इसको चेंज करा दिया हमने ग्रीन, ये हो जाएगी डार्क ग्रीन, जैसे कि वहाँ पर देख रहे हैं इस कलर
8 hours later. तो फाइनली गाइस बाहर का नजारा ये रहा यहाँ से, और बाहर के नजारे के साथ साथ मैं ये रहा यहाँ पे, मुंह देख रहे कितना काला हो गया है सारे दिन यार, सुबह बस मुंह धोकर आता हूँ कुछ भी नहीं रहता। बाकी यहाँ वाली बात है ना, काम सारा का सारा फिनिश हो गया, बढ़िया हो गया, मजा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन हमारा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था वाईफाई का कनेक्शन चाहिए था, वाईफाई का कनेक्शन यहाँ आ गया। ये वाला राउटर इसके अंदर चला नहीं है, एक अलग से कोई बॉक्स आता है, वो बॉक्स आएगा तब जाके ये राउटर चलेगा। ये कमरा तो एकदम ओके था हमारा, मतलब रूम ओके एकदम। मैं वो दिखाता हूँ कि मैंने काम क्या कराया है। अब देखो इसके कलर क्या जबरदस्त कलर आ रहे हैं, ये देखो ये इसके कलर आ गए इधर, ये देख लिया आपने बालकोनी, वो उधर हो रही और इधर रसोई वगैरह जो थी वो साफ हो गई। और इधर की बात कहें ना तो देखो ये जो एक वो वाली जो अलमारी थी ना वो उस साइड में थी, उससे हट गई, ये इधर आ गई, ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही लग रहा है कबर्ड। ये थोड़ा सा आपको ये वाइट लग रहा होगा मगर ये मैं लेकर आनी है मुझे, इसी कलर की एक टेप आती है वो उससे कवर हो जाएगा। ये वाली कलर देख लो ये कितना डार्क है, इसके कंट्रास्ट में ये वाला ले लिया था। बाकी इसके अंदर रोशनी कम है अभी, ये छोटे छोटे से बल्ब लगे हुए हैं LED वाले सीलिंग। 1 minute later. तो गाइस कैमरे की हो गई चार्जिंग खत्म। तो भाई ये देख लो मैं इधर दिखा रहा था आपको, यहाँ पे कुछ ट्यूबलाइट वगैरह लगाएंगे वॉर्म लाइट करके, एक सॉकेट दिया हुआ है, ये टीवी LCD वगैरह लगानी है, वैसे उसकी जरूरत है नहीं अपने को। बाकी ये रूम इस टाइप का ये लग रहा है, आपको देखने में भी मजा आ रहा होगा। और कबर्ड वगैरह अपने सेट हो गए। सबसे बढ़िया मेरा ये हो गया कि मेरा उस वाले रूम से मैंने निकाल के इसको इधर लगा दिया, ये मेरा बहुत बढ़िया हो गया। और चलो बाहर वाली बात है एक बारी मैं आपको वो और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको वो वाली बालकोनी दिखाई थी, वो रही बालकोनी, तो ऐसे ही इधर भी एक बालकोनी मिल जाती है। इधर के कलर दोबारा से देख लो एक बारी, और बालकोनी वाली बात है तो वो ये रही, और मेन गली वाली बात है तो भाई देखो ये रही अपनी गली, क्योंकि आपको गली दिख रही होगी ये रही। ऑक्सीजन वाली बात है तो भाई पेड़ वगैरह ये रहे, यहीं पर पाइप डाल लेंगे ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे AC लगा हुआ था, अभी नहीं है, अगले साल लगवाएंगे, अब तो सीजन चला गया। फैन वाली बात है तो भाई फैन का डिज़ाइन कैसा लग रहा है वो एक बारी आप चेकआउट कर लो, ये मैंने करा लिया। छत का मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाया था कुछ भी, ये जो है ना ये सारी चीज़ें ये पहले की हैं, मेरे को सिर्फ दीवारें गंदी थी, मैंने ये दीवारें कंट्रास्ट में करा दी हैं, तो दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी कैसी हैं ये रही। बाकी अब आ जाते हैं इधर मिरर वाली बात है तो भाई यहाँ पे मिरर नहीं था, ये रहा, ये मैंने मिरर यहाँ पे लगवा दिया पूरा मिरर, ये रहा इस टाइप से। यहाँ पे कुछ चीज़ें और लगनी बाकी रह गई हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। रसोई वाली बात है तो भाई ये रसोई इस टाइप से हमने क्लीन कर दी है, इसको भी वहाँ से पेंट वगैरह ख़राब हो रहा था वो पेंट वगैरह भी ओके हो गया। इस छत को हमने कुछ भी नहीं कराया, ये बिल्कुल साफ थी इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। बाहर वाली बात है तो बाहर भी एकदम क्लीन हो गया है। सबसे पहले अनबॉक्स करी हमने वॉच, और टाइमिंग वाली बात है तो आप टाइम देख लो, इस टाइम पे इसमें बज रहे हैं 7, इसको लगानी है बाहर। सबसे पहले वॉच वाली बात की वॉच लग गई, थैंक यू चला। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे। आज था हमारा यहाँ पे तीसरा दिन, और तीसरे दिन में ये इतना हो पाया है, इसमें क्या खर्चा है क्या नहीं आया वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा।